एसईसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईएएस मनीष कुमार बने जमशेदपुर के डीडीसी, पदभार संभालने के पश्चात मनीष कुमार ने की अद्वितीय पहल। जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर किया रक्तदान और लोगों को दिया रक्तदान महादान का संदेश। वर्ष 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जमशेदपुर के नए डीडीसी। जुगसराय स्थित झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी भीषण आग, 1 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित संपत्ति जलकर खाक। गोदाम मालिक ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। 4 दमकलों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। प्रधानमंत्री के 9 वर्षों के कार्यकाल को जिला भाजपा ने बताया उपलब्धियों भरा कार्यकाल। सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को समर्पित रहा शासनकाल। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनी देश की पहचान। आइए बात करते हैं आईएएस मनीष कुमार द्वारा जिले के नए डीडीसी का प्रभार संभालने की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनीष कुमार ने पूर्वी सिंहभूम जिला के 28वें उप विकास आयुक्त के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं से जन जन को जागरूक करना तथा योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकताओं में होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसका प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में समाज के आखिरी पायदान के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। जिले की उपायुक्त के मार्गदर्शन में तथा पूरी टीम के सहयोग से निष्ठापूर्वक इस जिम्मेदारी के निर्वहन का प्रयास होगा। साथ ही कार्यालय में कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों की पूरी क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके। इससे पूर्व मनीष कुमार कोडरमा अनुमंडला अधिकारी तथा ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। पदभार ग्रहण के पश्चात उप विकास आयुक्त ने जमशेदपुर ब्लड सेंटर में रक्तदान कर रक्तदान महादान का संदेश दिया। आज यहाँ जमशेदपुर की पावन भूमि में आने का मौका मिला है और जो भी यहाँ पे कार्य पेंडिंग है या जो भी कार्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार करने हैं, उसका सफल क्रियान्वयन करने के लिए हमारी टीम पूरे जान लगा देगी और जो भी इश्यूज ग्रीवेंस है जो उसको समझ के जो भी लॉफुली किया जा सकता है विल ट्राई टू डेफिनेटली कंप्लीट इट विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल। मुझे एक बार देखना होगा कि व्हाट वेयर द इश्यूज क्या हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर में विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑल द थिंग्स दैट आर ऑन द फील्ड। हम लोग सभी जो भी स्कीम्स हैं जो कि क्रियान्वित हो रही है उसको तेजी से करने की कोशिश करते हुए लोगों तक उसकी जानकारी भी पहुँचे, उसका लाभ भी पहुँचे, इन दोनों विषयों पर पूरा अमल करेंगे। देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका सफलतापूर्वक हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में लोगों तक उसे पहुंचा सके, उसका अच्छे से क्रियान्वयन कर सके और सभी स्कीम्स जो भी वेलफेयर की होती है गवर्नमेंट की, जिससे लोगों को लाभ पहुँचे, उसको आखिरी माइल तक पहुंचाने की हम लोग की जिम्मेदारी होती है। उसी जिम्मेदारी को मैं अपनी पूरी टीम के साथ डीसी मैडम के गाइडेंस में और सबके सपोर्ट के साथ अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ ऑफिस में कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि हमारे ऑफिस का जो पोटेंशियल है वो ट्रू पोटेंशियल पर रियलाइज हो सके। जो भी यहाँ पे कार्य होंगे उसको एक बार समझ के वट एवर विल बी द बेस्ट उसको कोशिश किया जाएगा कि हम लोग उसको सही समय पे लोगों को सभी योजनाओं की जानकारी भी दें एवं उसका लाभ भी पहुंचाने की कोशिश करें। आइए बात करते हैं झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी भीषण आग की। जमशेदपुर के जुगसराई थाना अंतर्गत एमई स्कूल रोड स्थित झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट के गोदाम में बुधवार शाम लगी भीषण आग के बाद अफरा तफरी मच गई। देखते देखते आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद जुगसराई पुलिस और 4 दमकल मौके पर पहुंचे। युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम संचालक के मुताबिक आग से करोड़ों की संपत्ति के जलकर नष्ट होने का अनुमान है। बताते चले कि जुगसराई के एमई स्कूल रोड में झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट का बड़ा गोदाम है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल मंगाने वाले लोगों का सामान रखा जाता है और उसे गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। सामानों में कोल्ड ड्रिंक, आरओ पानी समेत अन्य फॉर्चून सामग्रियां शामिल हैं। बुधवार की शाम अचानक गोदाम में आग की तेज लपटें और धुआं देखकर काफी लोग जमा हो गए। इस बीच आग की लपटों ने धीरे धीरे पूरे कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया।
घटना की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। राज्य सरकार व टाटा स्टील के दो दो दमकल मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू हो गया। पहले तो गोदाम का गेट तोड़कर अंदर से सामानों को निकालने का काम शुरू किया गया, जिसमें कुछ सफलता भी मिली, लेकिन ज्यादातर सामान जलकर बर्बाद हो गया। बताया जाता है कि आग से 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। वैसे पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का सही सही पता चल पाएगा। 6 बजे फोन आया कि इसमें गोदाम आपका आग लग गया। हम लोग भागते भागते आए तो बाकी सब माल टोटल जल गया। क्या चीज का गोदाम? ये सब परचून का गोदाम था, जिसमें चप्पल जूता हौजरी पेड़ी सब किराना सब माल था। उसमें ज्यादा अभी आदमी आकलन नहीं कर पाएंगे, अब तक हम लोग पेपर नहीं दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान आ गया, ज़्यादा नहीं जाएगा कुछ आइडिया नहीं, ज़्यादा नुकसान बहुत। हम 6 बजे ऑफिस से निकले हैं, बस 6 बजे फोन आया कि आग लग गया। घटना का जानकारी नहीं है, कॉल मिला आग लगी है गोडाउन में। टाटा मोटर्स का 2 दमकल, सरकारी 2 दमकल और टाटा स्टील का 2 दमकल, 6 दमकल काम कर और अभी आगे 1 घंटा चलेगा कूलिंग। आग खत्म हो गया, अब थोड़ा बहुत धुआं हुआ है, उसको हमने ठंडा करेंगे। तुरंत आए और तुरंत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। एक बिस्कुट का गोडाउन पूरा बच गया, कपड़े का गोडाउन तो पूरा आग लग गई, पूरा बिस्कुट का गोडाउन बच गया। झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट यहाँ कंपनी है जो बाल्ट्री फैक्ट्री के नाम से भी जाना जा रहा है, तो वहाँ पर सूचना मिला कि आग लगने की, तो हम लोग तुरंत दमकल को सूचना देते हुए हम लोग आए, तो 4 गाड़ियाँ दमकल की आई, उसके बाद अभी आग में आग पर काबू पाया गया। अभी तो ये जांच का विषय अभी तो पता नहीं होगा। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल की जिला भाजपा द्वारा गिनाई गई उपलब्धियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल को जिला भाजपा ने ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा वर्ष करार दिया है। इस मौके पर सांची के होटल दयाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के राज्यसभा सांसद समीर उराव और विशिष्ट अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो रहे। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद समीर उराव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 वर्षों का शासनकाल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौर में पूरे देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, हर क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सहित कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि आज देश की पहचान स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में है। देश ने कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश की विदेश नीति की श्रेष्ठता की देन है कि भारत विश्व में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड में सड़क परिवहन के क्षेत्र में जो प्रगति दिख रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। 4 वर्षों से बंद पड़े UCIL को प्रधानमंत्री ने 82 करोड़ रुपए माफ कर फिर से चालू करवाया। जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो अथवा चाकुलिया का अंडरब्रिज, सभी में प्रधानमंत्री की भूमिका रही है। ये अलग बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाया और उन्होंने बिना देर किए इसकी पहल कर दी। उपरोक्त प्रेस वार्ता में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उराव के साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, राकेश जी, नीरज सिंह, अनिल मोदी और प्रवक्ता प्रेम झा भी मौजूद थे। जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जमशेदपुर लोकसभा यह पत्रकार वार्ता में विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष पूरा होता है और 2014 से लेकर के 2023 तक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को समावेशी, प्रगतिशील और इस सरकार ने जो है इस देश के जनता के लिए समानता के आधार पर किस प्रकार से जो है सृजित होकर के आगे बढ़े, इसके लिए कृत संकल्पित और प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ा है। इसमें आप सबों ने देखा होगा कि जनधन विकास से लेकर के हमारा जो है मुद्रा विकास से लेकर के प्रधानमंत्री आवास, शौचालय के लिए जो है स्वच्छ भारत का किस प्रकार से उन्होंने प्रारंभ किया। ये शौचालय निर्माण ही केवल नहीं था, स्वच्छ भारत को एक जन आंदोलन के रूप में किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बदले थे। ये बीमारियों से लड़ने के लिए
आयुष्मान भारत कार्ड बना करके उन लोगों को राहत देने का काम किया। इसी प्रकार से जो है गांव गांव घर घर तक जो है कैसे हमारे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसलिए जल नल योजना का प्रारंभ किया। हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत सारे यूरिया किस प्रकार से जो है इस देश के अंदर उत्पादित हो और सभी लोगों को उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, ऐसे कई योजनाएं हैं जिसको देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा हमारे देश के जनता के भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर संचालित करने का काम करना है। और यही नहीं, देश के जो है एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए देश की जो है आंतरिक या बाह्य सुरक्षा हो उसको भी किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन दुश्मनों को मारने का काम किया, यह भी आप सब लोगों को मालूम है। इसी प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में हमारे यहाँ के युवा हैं, यहाँ के माताएं किस प्रकार से आगे बढ़े, चाहे एमएसएमई के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो विभाग के माध्यम से एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज से लेकर के फॉरेस्ट्री से लेकर के सभी जगहों में जो है रोजगार सृजन के जो अवसर हैं, प्रावधान है, प्रोविजंस है, उसको हमारे देश के जनता के बीच पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसे ही यह जो है राम जन्मभूमि का जो विवाद था, लोगों के करोड़ों करोड़ों जन भावनाओं की आकांक्षा अपेक्षा था, उसको भी आज जो है राम मंदिर बना करके यह देश आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सारे बातों को आप सबों को बताना चाहिए। निश्चित रूप से आज जम्मू कश्मीर के अंदर जाइएगा, किस प्रकार से 370 हटने के बाद में वहाँ पर जो है समान नागरिक संहिता वहाँ पर लागू हुआ है, जो संविधान का सारा जो लाभ वहाँ के लोगों को मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, उससे खुश है। वहाँ हम लोग यहाँ जय श्री राम कहते हो तो अल्लाह अकबर करता है, हम लोग भारत माता की जय बोलते हो तो आजाद भारत जिंदाबाद बोलता है, लेकिन मोदी 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 यह नारा वो लोग लगा रहे हैं और मोदी जी के प्रति समर्पित है। और यह इसीलिए है कि ये मोदी जी बेकार बातों पर नहीं, विकास बातों पर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए यह पूरा देश आज जो है पूरा। आइए बात करते हैं आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा किए गए भारत बंद की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा भारत बंद का ऐलान करते हुए चाटा हाता मुख्य मार्ग गुरुवार को जाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, मांगे पूरी नहीं होने पर अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी भी दी गई। आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सार्थक मुर्मू कर रहे थे। बनाने वाले चेयरमैन पार्टी मुर्दाबाद, उर्मी मातों को उर्मी मातों को एसटी बनाने वाले चेयरमैन पार्टी होश में आओ, उर्मी मातों को एसटी बनाने वाले कांग्रेस पार्टी होश में आओ, बनाने वाले टीएमसी मुर्दाबाद, उर्मी मातों को एसटी बनाने वाले चेयरमैन पार्टी मुर्दाबाद। आज झारखंड बंद रहे, आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा। समाधान को देना होगा, देना होगा। एसटी बनाने वाले चेयरमैन पार्टी होश में हो, होश में हो। बताते चले कि आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर देश के 7 राज्यों में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखन मुर्मू के नेतृत्व में अभियान द्वारा टाटा हाता मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। जाम की वजह से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इस जाम से राहगीरों की परेशानी साफ देखी गई। जानकारी देते हुए सिंगल अभियान के केंद्र संयोजक वीवो मुर्मू ने कहा कि 2023 में संथाली भाषा को झारखंड राज्य भाषा का दर्जा देने के साथ साथ सरना धर्म कोड लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना में सरना धर्म वालों की आबादी 50 लाख से ऊपर थी, फिर भी सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया गया। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन उसे झारखंड का प्रथम राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। सिंगल अभियान संथाली भाषा को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग करता है। कुर्मी और महतो को एसटी का दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासियों का गढ़ है, भगवान बिरसा के सपनों को पूरा करते हुए अबुआ बिसुम अबुआ राज को पुनर्स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून को कोलकाता में पूरे भारत वर्ष से आदिवासियों का एक बड़ा जुटान होगा और आदिवासी अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। केंद्रीय
सिंगल संयोजक। तो आज हम लोग टाटा हता करंडी चौक को जाम किए हैं और ये सालखान मुर्मू के नेतृत्व में पूरा भारत में बंद है। तो आज हम लोग का मांग है ये सनातन धर्म कोड जो है ये अविलंब कोड दिया जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना में सनातन धर्म लिखने वाले जो 50 लाख से ज्यादा थे और उसके बाद जो जैन धर्म लिखने वाले 40 लाख थे उनको मिल गया, लेकिन हमारा प्राकृतिक पूजा वाला सरना धर्म अभी तक नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए। दूसरी मांग है कि संथाली जो झारखंड में ये प्रथम राजभाषा बनाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ये जो मरंग गुरु है ये आदिवासी का सर्वमान्य देवता है मरंग गुरु। तो 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री ने जैन को लिख करके सुपुर्द कर दिया कि ये मरंग गुरु जो है जैन का है। तो हम उसका विरोध करते हैं कि चूंकि कई युगों से हमारे वहाँ जाहिर भी है। तीसरी चौथी मांग है ये पूर्वी महतो है, ये वोट का लोभ लालच से ये जेएमएम पार्टी आदिवासी बनाने का वकालत कर रहा है, साइन किया है। इसी तरह टीएमसी भी उसको समर्थन कर रही है वोट का नाम से, कांग्रेस पार्टी भी, बीजेपी भी। तो हम इसको विरोध करते हैं। अगर मान ले ये एसटी बनाया जाएगा आदिवासी तो असली आदिवासी मारे जाएंगे। हाँ, थोड़ा देर के लिए जनता परेशानी होगी, लेकिन वाकई में देखा जाए तो आदिवासी समाज तो कई युगों से परेशान है, क्योंकि उसको आदिवासी का जो जितना भी अधिकार है, जैसे सरना धर्म कोड को नहीं दिया जा रहा है, उसका संथाली का राजभाषा नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर विस्थापन पलायन हो रहा है, इसका समता जजमेंट यहाँ लागू नहीं हो रहा है, वन अधिकार लागू नहीं हो रहा है और यहाँ CNT SPD भी इसमें लागू नहीं हो रहा है, सांप लूटा जा रहा है। तो सारा जो आदिवासी अधिकार है सारा लूटा जा रहा है, तो आदिवासी तो मर रहे हैं। तो एक दिन के लिए परेशानी से कोई मतलब नहीं है ये लोग को, लेकिन आदिवासी तो युग से मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। हम लोग का मांगे ये अगर पूरी नहीं होती है तो फिर सालखान मुर्मू के नेतृत्व में 30 जून को कोलकाता ब्रिगेड परेड मैदान में कम से कम 4-5 लाख लोग जमा होंगे और वहाँ से ऐलान करेंगे कि आदिवासी को आज़ादी चाहिए, राजनीतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और जितना भी अधिकार है आज़ादी चाहिए, जितना भी ये भाषा धर्म है मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन फिर रेल रोड चक्कर जाम करेंगे पूरा भारत में, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। आइए बात करते हैं बीजेपी महानगर मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन की। जमशेदपुर बारेडी बस्ती के समीप एक निजी हॉल में बीजेपी पूर्व विधानसभा की ओर से जमशेदपुर महानगर मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित रहे। दोनों ने पीएम मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के बीच प्रस्तुत की और उसे जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सम्मेलन में रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं उनके जन जन की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं। अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे इसकी भी समीक्षा की जाती रही है। उन्होंने मोदी जी की 9 वर्षों की उपलब्धि की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। वहीं सांसद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना आज पूरे देश में चल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश भर की जनता को सामान्य रूप से देखते हैं, सबका साथ सबका विकास कैसे हो इसकी चिंता करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है, आज भारत का हर देश सम्मान कर रहा है। आज मोर्चा सम्मेलन में हमारे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे जिला के अध्यक्ष जी, जिला समिति के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ साथ सेवा सुशासन हो और गरीब कल्याण को जो साथ देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज एक 9 साल के भीतर ग्लोबल लीडर के रूप में आज खड़े पूरा विश्व का मानचित्र है, उनके द्वारा जनकल्याण कार्यक्रम जो भी हुआ
जो भी धरातल पर जो भी योजना उसको जन जन तक पहुँचाना, उसको याद करना, उसको दिखाना कि 9 साल देश के मोदी जी का पार हुआ, इसमें सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। और अब देखे होंगे ऐसे जनधन खाता से लेके ईजेट घर से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेकर इसके आयुष्मान भारत से लेकर ऐसे बहुत सारे योजना महिला कल्याण योजना को लेकर, युवा पीढ़ी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इरिगेशन को लेकर, हर घर नल को लेकर, हर लगभग 32 लाख घर में जो बिजली नहीं थे 9 साल के मात्र गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना और साथ एम्स का निर्माण करना, 290 के आसपास जो है विश्वविद्यालय को बनाना, इस तरह बहुत सारे आंकड़े हैं जो उन्होंने समाज के भीतर जरूरतमंद लोगों के बीच में ये बनाने का काम किया। और आज इस काम के चलते ही आज पूरा देश नहीं बल्कि विश्व में मोदी जी का डंका बजा। पहले हम लोग देखा करते थे छोटे छोटे प्रधानमंत्री जाते थे, लोग समय मांगते थे लेकिन उनका पास कोई समय नहीं होता क्योंकि भारत को नीचे पायदान में सोचते थे। आज 9 साल में 24 से लेकर 5 पायदान में इकोनॉमिक को ले जाना, ये अपने आप पर एक बहुत बड़ा मिसाल है। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में 3 दिवसीय शहीद आत्मा शांति महायज्ञ के आज दूसरे दिन की। देश के विभाजन में शहीद हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए 3 दिवसीय भागीरथ वंशी शहीद आत्मा शांति महायज्ञ का आयोजन आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में बुधवार से प्रारंभ हुआ है जिसका समापन 16 जून को होगा। बताते चले कि 3 दिवसीय भागीरथ वंशी शहीद आत्मा शांति महायज्ञ इसके पहले पृथ्वी पर राजा भागीरथ और भगवान पुरुषोत्तम के बाद किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि राजा भागीरथ ने राजा शांतनु के पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए आत्म शांति महायज्ञ किया था। दूसरा यज्ञ भगवान पुरुषोत्तम ने भी आत्मा की शांति के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया था। अब तीसरी बार इस यज्ञ का आयोजन देश विभाजन के समय शहीद हुए करीब 20 लाख लोगों की आत्मा की शांति के लिए शांति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 14 जून को झंडोत्तोलन और 501 महिलाओं के द्वारा निकाले गए कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ। बताते चले कि इस मौके पर चित्रकूट धाम से पधारे श्री श्री 108 स्वामी सीताराम शरण महाराज का गीता महाग्रंथ का प्रवचन हो रहा है। 15 जून को प्रातः 8 बजे से हवन यज्ञ, तर्पण और संध्या 4 बजे से प्रवचन हुआ, जबकि 16 जून को सुबह 9 बजे से गीता पाठ सिख समुदाय के लोग अंतिम अरदास करेंगे और अंत में गायत्री परिवार की ओर से हवन के साथ महायज्ञ का समापन होगा। उसके बाद दोपहर 1 बजे से महाप्रसाद का वितरण होगा। शाम में अंतिम प्रवचन के साथ महायज्ञ का समापन होगा। इस यज्ञ का संदेश होगा कि देश में कभी सामूहिक नरसंहार नहीं होगा। देश विभाजन के 76 वर्ष बाद जमशेदपुर के प्रबुद्ध जनों ने ये महायज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया है। आयोजन में संरक्षक हरि भल्ला सिंह आरसी, अध्यक्ष रामेश कुमार, AK श्रीवास्तव, शिव पूजन सिंह, मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव, कन्हैया दुबे, सतीश सिंह, अनीता सिंह, दिनेश सिंह, DD त्रिपाठी, रविंद्र सिंह, रघुनाथ प्रसाद, उमा शंकर तिवारी आदि शामिल हैं। यज्ञ जो हो रहा है वो मुख्य रूप से देश विभाजन के समय जो निर्दोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, केवल यही था कि हम भाई विभाजन को नहीं मानते हैं, हम जहाँ हैं ये धरती हमारी है और हम रहेंगे, वैसे लोगों की नृशंस हत्या, मैंने बच्चे से लेकर के बूढ़े तक परिवार के परिवार समाप्त कर दिए गए। और मैंने देश आज़ाद भी हुआ तो इस पर किसी ने थोड़ा संवेदना भी व्यक्त नहीं किया, तो उन लोगों की आत्मा की मुक्ति की शांति के लिए ये यज्ञ हो रहा है। मुख्यतः सनातन में ये परंपरा है कि अगर आपके पूर्वज शांत आत्म संतुष्ट नहीं है तो आपका विकास संभव नहीं है, नहीं होगा। उसी तरह से जब देश के ही पूर्वज 1947 से पहले जिन लोगों की हत्या हुई तो वे तो देश के पूर्वज ही थे, और देश के पूर्वजों की जो हत्या हुई और आज तक उनकी आत्मा की शांति नहीं हुई तो ये देश का विकास कहाँ से होगा। भिन्न भिन्न तरह के व्यविचार लिए लोग पैदा होते जा रहे हैं और आज मैंने चाहे कुछ भी नजर आए कि सड़क बन गई, रोड बन गया, ये बन गया, लेकिन समाज विभक्त होते जा रहा है। जात में तोड़ दिया गया, प्रांत में तोड़ दिया गया, भाषा में तोड़ दिया जा रहा है, जबकि सनातन में एक
परंपरा है, शुरू से शास्त्र कहता है कि सर्वे हिंदू सहोदरा, यानी जितने भी हिंदू हैं वे सभी सहोदर हैं। सब तो कहने का मतलब है कि सभी जब हिंदू सहोदर हैं और गुण कर्म विभाग के अनुसार सबकी जातियां बढ़ गई जैसा जो काम किया हो, लेकिन हैं सभी सहोदर, तो इन सारों की एकता बने रहे इसके लिए भी ये यज्ञ है कि ये सारे अगर एकजुट रहते हैं तो आज जो बीच बीच में आता है कि कैराना से पलायन हो रहा है तो सासाराम से पलायन हो रहा है, तो पलायन है कश्मीर में घटना नहीं घटेगी, केरल में घटना नहीं घटेगी अगर जिस दिन हिंदू ये समझ जाए कि हम सभी सहोदर हैं तो, क्योंकि सबके अंदर संवेदना जगनी चाहिए कि अगर एक हिंदू के को दर्द होता है तो सभी हिंदुओं के अंदर वो दर्द महसूस होने लगे, तो इसके लिए ये यज्ञ है। और सनातन परंपरा में तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि धर्म तो यही है ना, और धर्म अगर हम जानते हैं तो बात स्पष्ट है कि यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रेण पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भागवत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।